हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग में सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्काफोल्डिंग के काम के दौरान, स्काफोल्डिंग का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं ना, आज हम उसके बारे में पूरा देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी के अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ स्काफोल्ड। स्काफोल्ड का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है। फर्स्ट हम देख रहे हैं वुडन बोर्ड नॉट बी पेंटेड। वुडन बोर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं ना प्लैंक, वो पेंट नहीं हुआ होना चाहिए। सेकेंड में हम देख रहे हैं वुडन बोर्ड शुड नॉट एनी क्रैक। वुडन बोर्ड में कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। चेक करेंगे वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के दौरान, स्काफोल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान। थर्ड में हम देख रहे हैं चेक फॉर रस्ट इन पाइप एंड क्लैंप्स। पाइप जो भी हम इस्तेमाल करेंगे स्काफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और क्लैंप जो भी इस्तेमाल करेंगे उसमें कोई भी जंग नहीं लगा होना चाहिए। जंग लगने से क्या ना, उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, क्लैंप टूट सकता है या पाइप भी बैंड हो सकता है। फोर्थ में हम देख रहे हैं क्लैंप शुड फिक्स्ड एंड गुड क्वालिटी। क्लैंप अच्छे से फिक्स होना चाहिए और अच्छा क्वालिटी क्लैंप का हमेशा होना चाहिए। फिफ्थ में हम देख रहे हैं बोर्ड थिकनेस शुड बी 3.4 सेंटीमीटर एंड नॉट बेंडिंग। बोर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं ना स्काफोल्डिंग में, उसका जो थिकनेस है 3.4 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, और बोर्ड बेंड भी नहीं होना चाहिए, बीच से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिग्ड प्रॉपरली बेस्ट। कंस्ट्रक्शन जो है ना उसका एकदम कठोर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए कंस्ट्रक्शन स्काफोल्डिंग का बेस्ट, एकदम बढ़िया कंस्ट्रक्शन से कठोर ज़मीन पे एकदम अच्छा ज़मीन देख के उसका कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ हम देख रहे हैं यूज ऑफ गुड एंड साउंड मटेरियल। अच्छा मटेरियल और बढ़िया आवाज़ वाला मटेरियल जो बढ़िया हो, ज़्यादा पुराना मटेरियल नहीं हो, वही हम ज़्यादा कोशिश करेंगे स्काफोल्डिंग में इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द वुडन बेली हैज नॉट ज्वाइंट्स। वुडन क्या है ना, वुडन जो प्लैंक है ना वो बीच से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, एकदम जो प्रॉपर साइज उसका आता है वही होना चाहिए। बीच में हम प्लैंक को ज्वाइंट करके इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंड हम देख रहे हैं नेवर थ्रो एनी मटेरियल्स फ्रॉम हाइट। ऊंचाई से स्काफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऊपर से हम कोई भी मटेरियल को फेंकेंगे नहीं। यूज सेफ्टी हार्नेस वाइल वर्किंग एट अबव 1.8 मीटर। 1.8 मीटर से ऊपर में हम कहीं भी काम करेंगे स्काफोल्डिंग के ऊपर तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूज जिंक व्हील पुली फॉर लिफ्टिंग ऑफ स्काफोल्डिंग मटेरियल। जिंक व्हील पुली का हम इस्तेमाल करेंगे कोई भी मटेरियल स्काफोल्डिंग के ऊपर हम पहुँचाने के लिए, पाइप हो, क्लैंप हो, स्पैनर हो, कुछ भी हमको देना हो ऊपर में तो जिंक व्हील पुली का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं डू नॉट स्टैंडिंग ऑन पाइप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काफोल्डिंग, पुट टू प्लैंक्स ऑन पाइप। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, हम जब भी स्काफोल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्काफोल्डिंग जब भी हम बनाएंगे तो पाइप के ऊपर डायरेक्ट खड़ा नहीं होना है, वहाँ पे आप दो प्लैंक डाल के प्लैंक के ऊपर खड़े होके फिर उसका कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबसे लास्ट क्या है, एरिया शुड बी बैरिकेटेड। ये सबसे फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि एरिया सबसे पहले, कहीं पर भी हम काम स्टार्ट करेंगे, काम स्टार्ट करने से पहले हमको क्या है ना, एरिया बैरिकेट करना है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छा अच्छा हम आपको देते रहें।